सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सैमसंग के डिवाइसेस में फाइनली जो वनी वाई 3.1.1 का अपडेट है वो आ चुका है दोस्तों। सैमसंग ने सबसे पहले S21 सीरीज को कनाडा के अंदर जो एंड्रॉयड 11 बेस्ट वनी वाई 3.1.1 है वो दिया है दोस्तों। लेकिन सैमसंग ने अब कुछ और कंट्रीज़ में जो अपडेट है वो रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। तो कौन से कंट्रीज़ में जो अपडेट है वो आया है और सैमसंग के किन किन डिवाइसेस में अपडेट जो है वो आने वाला है, सब कुछ मैं डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 75 लाइक, 75 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टेक दोस्त पीयूष। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सैमसंग ने फाइनली S21 सीरीज के लिए जो एंड्रॉयड 11 बेस्ट वनी वाई 3.1.1 का अपडेट है वो US के अंदर रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। और बहुत ही जल्द जो अपडेट है वो इंडिया के अंदर आने वाला है। फीचर्स तो सैमसंग ने ऐड नहीं किए हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी सारे किए हैं। UI में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स सैमसंग ने किए हैं। अगर आप एक साथ 5 से 6 एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं तो वो परफेक्टली वर्क कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर कई बार क्या होता था कि लैग होता था, डिवाइस बग्स थे डिवाइस में, उसको भी यहाँ पर फिक्स किया गया है। और जब आप 5 से 6 एप्लीकेशन एक बार ओपन कीजिएगा तो काफ़ी फास्ट ओपन हो जा रहा है। साथ ही कैमरा एप्लीकेशन भी काफ़ी फास्ट ओपन हो रहा है। और जब आप ब्लूटूथ को पॉपअप व्यू में ओपन करते हैं तो वो भी हल्का सा डिले करता था पहले, लेकिन अब और भी ज़्यादा फास्ट कर दिया गया है। क्योंकि देखिए, इस बार जो सैमसंग ने वन यू आई 3.1.1 लाया है वो फोल्डेबल डिवाइसेस के लिए लाया है। तो जो फीचर्स हैं वो फोल्डेबल डिवाइसेस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और इस बार तो कम्प्लीटली फोल्डेबल डिवाइसेस के लिए ही सैमसंग ने वन यू आई 3.1.1 को डिज़ाइन किया है। पिछले बार जब 2.5 आया था नोट सीरीज के साथ तो वो सभी डिवाइसेस में फ़ीचर्स दिए गए थे, लेकिन इस बार जो फोल्डेबल डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस के लिए जो फीचर्स हैं वो आए हैं। तो इम्प्रूवमेंट्स सैमसंग कर रहा है 3.1.1 के साथ। और बहुत ही जल्द सैमसंग इंडिया के अंदर अपडेट जो है वो रोल आउट करेगा। और सैमसंग S20 सीरीज, नोट 20 सीरीज, सैमसंग नोट 10, S10 सभी सीरीज के डिवाइसेस में जो अपडेट्स हैं वो आने लगेंगे दोस्तों। और साथ ही सैमसंग के मिड रेंज डिवाइसेस में भी जो अपडेट है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो देखते हैं सैमसंग फ्यूचर में क्या करता है। और भी अगर कोई न्यूज आएगी या फिर अपडेट आएगा तो आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।